रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज संसद में वित्तीय वर्ष 2016-17 का रेल बजट पेश किया। अपने दूसरे रेल बजट में सुरेश प्रभु ने रेल किराया नहीं बढ़ाया और माल भाड़े में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की। 4 कैटेगरी में ट्रेनों का ऐलान किया गया। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बजट में 4 नई ट्रेनों का ऐलान किया है, जिसमें अंत्योदय एक्सप्रेस, तेजस, उदय डबल डेकर और हमसफर के नाम से 4 ट्रेनें चलाई जाएंगी। तेजस 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जबकि हमसफर में सिर्फ 3rd एसी के डिब्बे होंगे। अंत्योदय एक्सप्रेस पूरी तरह से अनारक्षित ट्रेन होगी। रेल मंत्री ने कहा कि पिछले साल हुई 139 घोषणाओं पर हमने काम किया है, साथ ही यात्री ट्रेन की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाई जाएगी। मिशन रफ्तार के तहत मालगाड़ियों की रफ्तार औसतन बढ़ाई जाएगी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल रोजाना के काम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया जाएगा। रेल मंत्री ने ऐलान किया कि 2020 तक सभी को कंफर्म टिकट मुहैया कराया जा सकेगा। बजट में ऐलान के मुताबिक स्टेशनों पर 1780 टिकट वेंडिंग मशीन लगाई जाएंगी। यही नहीं, एटीएम से टिकट बुक कराने को लेकर काम जारी है, जबकि 7000 टिकट प्रति मिनट देने का लक्ष्य रखा गया। पिछले सालों के औसत निवेश की तुलना में इस बार निवेश दुगना होगा। भारतीय रेलवे ने पिछले साल के बजट से 8720 करोड़ रुपए बचाए हैं। दिस ईयर आवर इन्वेस्टमेंट वुड बी क्लोज टू डबल ऑफ द एवरेज ऑफ प्रीवियस ईयर्स, अ फीट नेवर अचीव्ड अर्लियर। फॉर द ईयर 2016-17 द कैपिटल प्लान हैज बीन पेड at 1.21 lakh crores, 1,21,000 crores. This magnitude of investment calls for abandoning the business as usual approach and continuously innovating to find new ways of sourcing funds. रेल मंत्री ने कहा कि अधिकांश रेल रूट पर बिजली देने का काम हो रहा है और इस साल 2000 किलोमीटर तक रूट का विद्युतीकरण किया जाएगा। रेल मंत्री के मुताबिक पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बेहतर संपर्क बनाए जाएंगे, साथ ही असम में नई रेल लाइन की शुरुआत होगी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ऐलान किया कि बराक घाटी को रेलवे के जरिए जोड़ा गया है और त्रिपुरा को भी रेल मैप पर लाया गया है। क्षेत्रीय स्तरों पर रेलवे की कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर जोर रहेगा। नॉर्थ ईस्ट पर रेलवे का फोकस है और अगरतला को ब्रॉडगेज से जोड़ा जाएगा। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए बेहतर संपर्क व्यवस्था हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। हमने असम में चिर प्रतीक्षित बड़ी लाइन पर लमडिंग सिलचर खंड को खोला है और इस प्रकार बराक घाटी को देश के साथ जोड़ दिया गया है। हम त्रिपुरा की राजधानी अगरतला को भी बड़ी लाइन नेटवर्क पर लाए हैं। मिजोरम और मणिपुर राज्य भी कटभल भैराबी और अरुणाचल जीरीबाम की आमान परिवर्तन परियोजनाएं जल्दी ही खोल दी जाने पर देश के सबसे बड़ी लाइन मानचित्र पर आ जाएंगे। तत्काल टिकट बुकिंग में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए रेल मंत्री ने तत्काल काउंटर पर सीसीटीवी लगाने की घोषणा की है। साथ ही आप अपने टिकट के रिजर्वेशन 139 के जरिए कैंसिलेशन भी करा पाएंगे। वहीं अब कुलियों को नए नाम सहायक से पुकारा जाएगा। रेल मंत्री सदन में बता रहे थे कि 1780 ऑटोमेटेड टिकट वेंडिंग मशीन लगाई गई है और इसके साथ ही टिकटिंग में भी वेबसाइट की क्षमता बढ़ाई गई है। रेल मंत्री ने कहा कि दिव्यांगों के लिए ऑनलाइन टिकटिंग की शुरुआत की जाएगी और दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर की भी ऑनलाइन बुकिंग शुरू है। वी हैव इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिक्रूटमेंट ऑनलाइन
are in the process now being replicated for all positions. Social media is also being used as a tool to bring transparency in our day-to-day working. All procurement, including procurement of work, has moved to the e-platform. We intend to usher into a new era by switching over to the paperless contact management system, where not only the bids are invited online, but the entire process leading to award of a tender is also done electronically. We have completed the trial run for the above and we intend to roll out on a pan-India basis in the next financial year. बजट भाषण के दौरान सुरेश प्रभु ने कहा कि हमने रेलगाड़ी में गुणवत्ता सुधार के लिए कई कोशिशें की। सामान्य सवारी डिब्बों में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट दिए गए। रेल मंत्री ने कहा कि 400 स्टेशनों पर वाईफाई सेवा की शुरुआत का प्रस्ताव है। हम स्टेशनों का पुनर्विकास कर रहे हैं। 400 रेलवे स्टेशनों का शुरुआत में विकास किया जाएगा। सुरेश प्रभु ने कहा कि यात्रियों की पसंद का खाना मुहैया कराने की कोशिश होगी और हर वर्ग में 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। उन्होंने कहा कि विकल्प ट्रेन की सुविधा बढ़ाई जाएगी। रेल मंत्री ने बजट में महिलाओं और बुजुर्गों के लिए कई ऐलान किए। रेल मंत्री ने कहा कि हर ट्रेन में अब 120 लोअर बर्थ महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। हर श्रेणी में महिलाओं को 33% के रिजर्वेशन का रेल बजट में ऐलान किया गया। वहीं रेल यात्रियों के लिए ट्रेवल इंश्योरेंस के जरिए बीमा कंपनियों से करार किया जाएगा। यात्रियों को स्टेशन पर जरूरी दवाएं और दूध भी मिल सकेगा। एससी और एसटी के लिए नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं और महिलाओं के लिए खास अरेंजमेंट। इस रेल बजट में एसएमएस से कोच को साफ कराने की सुविधा भी बताई गई है। वहीं साल के अंत तक 17,000 बायो टॉयलेट बनेंगे। सबसे पहला वैक्यूम टॉयलेट डिब्रूगढ़ राजधानी में लगेगा। रेल बजट पेश करने से पहले रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरणा मिली है। साथ ही रेल मंत्री ने भरोसा जताया कि वो प्रधानमंत्री मोदी के विजन को साकार करेंगे। इन कीपिंग विद आवर प्राइम मिनिस्टर्स एम्फेसिस ऑन मेक इन इंडिया, वी वर एबल टू फाइनलाइज द बिड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ टू लोको फैक्ट्रीज विद एन ऑर्डर बुक ऑफ अबाउट 40,000 करोड़। These factories will create an ecosystem of many flourishing small and medium ancillary units which will get connected to the global supply chain. They will boost employment potential for the entire eastern region. We ran a bidding process that was absolutely transparent and the rates received were extremely competitive. रेल बजट के बाद प्रधानमंत्री मोदी का पहला बयान आया। प्रधानमंत्री ने इस बजट की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में यह बजट बेहद अहम साबित होगा। पिछले वर्ष के बजट में जो वादे किए गए थे उसका पूरा पूरा हिसाब देते हुए यह बजट आगे की आशावान रणनीति बनाता है। इस दिशा में पिछले एक साल में काफी हद तक हमें सफलता मिली है। उसे और बेहतर बनाने का पूरा प्रयास इस बजट में प्रस्तुत किया गया है। साफ सफाई एवं यात्री सुविधा या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पिछले दो रेल बजटों का मूल मंत्र रहा है। साथ ही साथ रेलवे प्रोजेक्ट को मात्र कंप्लीशन से नहीं बल्कि कमीशनिंग इससे परिभाषित किया। मैं समझता हूं कि ये नीतिगत बदलाव देश की अर्थव्यवस्था में एक पैराडाइम शिफ्ट है। गरीबों के लिए सुपरफास्ट ट्रेन की विशेष व्यवस्था करते हुए अंत्योदय एक्सप्रेस एवं दीनदयालु रेल डब्बों की शुरुआत हमारी सरकार की गरीबों की प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट करती है।
रेलवे में आईटी सहित नई टेक्नोलॉजी, अधिक पूंजी निवेश एवं अमलीकरण को असरदार बनाते हुए यह रेल बजट देश की अर्थव्यवस्था में दूरगामी सकारात्मक योगदान करेगा। देश के पिछड़े क्षेत्रों में, खासकर उत्तर पूर्वी राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट में रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाने का सरकार का वादा पूरा करने की दिशा में उत्तम कदम उठाए गए हैं। साथ ही साथ हमारे रेल मार्गों की ऐतिहासिक समस्या जो कि क्षमताहीनता के कारण थी, उसे पिछले एक साल में काफी हद तक दूर किया गया है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने रेल बजट को नकारते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने रेल को पटरी से उतार दिया है और इसे विदेशी कंपनियों के हाथों में देने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार भारत में के रेलवे ही था लाइफ लाइन आम आदमी से लेकर सभी के लिए, ये बिल्कुल पटरी से उतर गया इस भाजपा के राज में रेल विभाग। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रेल बजट को सराहा। उन्होंने इस बजट को आम बजट से हटकर बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में रेल मंत्री ने कई अहम कदम उठाए हैं जो रेलवे के भविष्य के लिहाज से महत्वपूर्ण है। कई प्रभावी कदम रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी ने उठाए हैं और मैं मानता हूं कि अपने में एक विशेष प्रकार का यह बजट, मैं समझता हूं कि पिछले 60-65 वर्षों में जो चीज नहीं हो पाई उसको यदि हम 2-3 वर्ष में पूरा करते हैं तो इससे बड़ी उपलब्धि हमारी और दूसरी क्या हो सकती है। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूड़ी ने बजट को अच्छा बताते हुए कहा कि इस बजट में बड़े सुधारों को लेकर कदम उठाए गए। रेल मंत्री ने कहा कि सभी डिब्बों के डिजाइन और लेआउट में बदलाव करेंगे। रेल के हर कोच में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा। सुरेश प्रभु ने कहा कि धार्मिक स्थलों के लिए आस्था ट्रेन चलाएंगे। रेल बजट 2016-17 को पेश करते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि मेक इन इंडिया से 40,000 करोड़ रुपए के जरिए लोकोमोटिव प्लांट लगाए जाएंगे। साथ ही वडोदरा में रेल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जबकि चेन्नई में पहला रेल ऑटो हब बनेगा। राष्ट्रीय रेल योजना की तैयारी की जाएगी और जरूरत के मुताबिक रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन होगा। 6 राज्यों के साथ एमओयू साइन किए गए हैं। रेलवे इसके लिए ज्वाइंट वेंचर लगाएगी। मिशन जीरो एक्सीडेंट पर काम जारी है। 311 स्टेशनों पर सीसीटीवी सिक्योरिटी होगी। 2020 तक कोई भी लाइन बगैर गार्ड के नहीं हो। इलिमिनेशन ऑफ ऑल अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स, पंक्चुअलिटी इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 95%, इंक्रीज एवरेज स्पीड ऑफ फ्रेट ट्रेन्स टू 50 किलोमीटर पर आवर एंड मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स टू एटलीस्ट 80 किलोमीटर पर आवर, सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स रनिंग अलोंग द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जीरो डायरेक्ट डिस्चार्ज ऑफ ह्यूमन वेस्ट। रेल मंत्री ने बताया कि LIC ने रेलवे में 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। इसके साथ ही इस साल 800 किलोमीटर नए रेल रूट की शुरुआत करने की योजना है। बजट पेश करने के दौरान रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि सालों से चले आ रहे कामों में बदलाव जरूरी है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि 7वें वेतन आयोग के बाद रेलवे को आमदनी बढ़ानी होगी। अपने बजट भाषण में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नए तरीके अपनाएंगे और नए तरीकों से रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश होगी। वी होप टू जनरेट रेवेन्यूज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1,84,820 करोड़ नेक्स्ट ईयर, 10.1% हायर देन द रिवाइज टारगेट फॉर द करंट ईयर। रेल मंत्री ने कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए उन्होंने रेलवे में पूंजीगत व्यय बढ़ा दिया है।
उन्होंने कहा कि अंतिम तिमाही में पूंजीगत व्यय में काफी बढ़ोतरी हुई। सुरेश प्रभु ने कहा कि रेलवे के विकास के लिए वो अपने अनुभवों का इस्तेमाल करेंगे। रेल मंत्री ने रेल के विकास पर जोर देते हुए कहा कि देश के विकास के लिए रेल का विकास जरूरी है। उन्होंने कहा कि रेल में निवेश बढ़ाने के लिए निवेश के नए तरीके ढूंढने होंगे। सुरेश प्रभु ने कहा कि यह समय रेलवे के लिए भी चुनौतियों भरा है, लेकिन वो झुकेंगे नहीं। रेल मंत्री ने जननी सेवा शुरू करने का भी ऐलान किया। इसके तहत बच्चों के साथ सफर करने वाली महिलाओं को बच्चों के खाने के लिए अलग मेन्यू होगा। सुरेश प्रभु ने कहा कि अब सभी रेलगाड़ियों में रेलबंधु मैगजीन उपलब्ध कराई जाएगी और कुलियों को सहायक कहकर बुलाया जाएगा। रेल मंत्री ने अहमदाबाद से मुंबई तक हाई स्पीड ट्रेन चलाने का भी ऐलान किया, जो जापान की मदद से चलाई जाएगी। रेल मंत्री ने बताया, ट्रेनों में एफएम रेडियो पर काम चल रहा है, साथ ही ट्रेनों में बेबी फूड देने की भी तैयारी चल रही है। नए रेल बजट में ट्रेन में दिव्यांगों के लिए अलग से टॉयलेट बनाने का भी ऐलान किया गया है, साथ ही दिल्ली में 21 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। राजधानी और शताब्दी के डिब्बों में बदलाव किया जाएगा। न्यू स्मार्ट कोच कस्टमर की जरूरत के मुताबिक होगा। सदानंद गौड़ा मोदी सरकार के पहले रेल मंत्री बने। इन्होंने भी रेलवे बोर्ड का ढांचा बदलने की कोशिश की। कैबिनेट ने रेलवे में एफडीआई को मंजूरी दे दी थी, लेकिन गौड़ा इसका रोडमैप पेश नहीं कर पाए। कहा गया कि वो रेलवे ब्यूरोक्रेसी से काम नहीं करा पाए। ममता के बंगाल के सीएम बनने के बाद यूपीए सरकार में रेल मंत्री बने। उन्होंने सबसे पहले रेलवे बोर्ड का ढांचा बदला। पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी की इच्छा के खिलाफ जाते हुए कहकर रेल किराया बढ़ा दिया कि पैसेंजर्स को सुविधाएं चाहिए तो रेलवे को किराया बढ़ाना होगा। विवाद इतना बढ़ा कि ममता ने तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कह के त्रिवेदी को बर्खास्त करा दिया। 2004 से 9 तक लालू यादव ने रेल बजट पेश किया। रेल मंत्री रहे लालू यादव दिलचस्प तरीके से भाषण बजट का पढ़ते थे। उन्होंने पैसेंजर किराया नहीं बढ़ाया, लेकिन माल भाड़े से मिलने वाला रेवेन्यू बढ़ा। रेलवे की माली हालत को बदलने के लिए उनके कामकाज की केस स्टडी आईएम में हुई।